हाय एवरीवन, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे लाइव आना था, नॉट फॉर एनीथिंग, जस्ट टू कनेक्ट विथ यू ऑल. तो आज मैंने सोचा आज ही आ जाते हैं. एंड थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए. और क्या बोलूँ मैं, सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि लेट्स चैट, लेट्स सी कहाँ तक बात जाती है. हाय मैम, आप बात, मैम प्लीज टेक माय नेम अनन्या. हाय अनन्या. हाय चंद्रिका. हाय अक्षय मेहरा. हाय दिशा पटानी. ओ माय गॉड, ओके. हाय अंकिता प्योर हैप्पीनेस. हाय सुशांत एंकी. हाय अंकिता फैंडम. हाय हाय हाय. सो आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, लेकिन बस आई जस्ट थॉट आई शुड टॉक अबाउट सम पॉजिटिविटी एंड अच्छी अच्छी बातें करते हैं. तो मैंने सोचा कि जस्ट वॉन्टेड टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू. कि मैं दो दिन से काफ़ी लो फील कर रही थी. कोई रीज़न नहीं था, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग वेरी लो. बट देन टुडे आई वॉज फीलिंग रियली नाइस एंड आई जस्ट अंडरस्टूड माई सेल्फ कि कैसे. हाय आरती. हाय आरती, सॉरी मेरी आवाज़ बहुत बैठी हुई है, बट हाय आरती, आई लव यू. और बहुत ज़रूरी है लाइफ में आपके थॉट्स क्या होते हैं, कैसे रखना चाहिए, ये इन चीज़ों का आपको पता होना. तो आई गेस मैं दो दिन से बहुत लो थी, लेकिन देन यूजुअली आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी यू नो, किसी चीज़ को ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लेना. मैं हमेशा रखती हूँ वैसे अपने चीज़ें, लेकिन थोड़े टाइम से मैं बहुत, दो दिन से मैं बहुत लो फील कर रही थी. लेकिन आज मैंने अपने आप को डिसाइड किया था कि आई डोंट वांट टू फील लो, एंड देयर वाज नो रीज़न एज सच कि मैं लो फील करूँ. तो मैंने सिर्फ अपना एक थॉट प्रोसेस चेंज किया. मैंने अपने आप को मोटिवेट किया टू लुक गुड. आई जस्ट वॉन्टेड टू लुक फ्रेश. आई जस्ट वॉन्टेड टू just come and talk to you about it. I always feel good when I, you know, chat with you all. And Aarti, I love you too. Mil jaan, I love you. Mwah! I love you. Aur main itni serious baatein nahi kar sakti hu. Main bas achhi baatein karna chahti hu. Main bahut serious itna sari topics mein baat nahi kar sakti, lekin itna hi bolna chahti hu ki aapki life mein positivity ka hona bahut zaruri hai. Aur positivity aapki life mein aur koi nahi, aap khud laate hain. So that's the most important thing, ki aap apne aap ko kaise motivate karte hain. Main apne aap ko motivate, main bahut sari reels dalti hu aur main bahut sari dance ke apne cheeze bana kar dalti rehti hu. Mujhe bahut bure comments bhi aate hain, you know, kabhi kabhi bahut ganda bolte hain log, kitna ganda bolte hain. Aur mujhe aisa lagta hai agar aap logo ko sach mein itni problem hai to I think you should not follow me. It's वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है मैं आपके लिए बोल रही हूँ. अगर आपको मैं नहीं अच्छी लगती तो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है मैं फॉलो नहीं करती. और लेकिन मैं दूसरों के अकाउंट पे जाके उनको गालियाँ नहीं देती. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं. सो फॉर मी वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं अपने डांस की वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, लोग मुझे बोल रहे हैं कि गालियाँ देते हैं, लिटरली गंदी गंदी, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, जो कि बहुत 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 तकलीफदायक होता है. ट्रस्ट मी, नॉट फॉर मी, आई एम वेरी, आई डोंट रियली केयर कौन मुझे क्या बोलता है. लेकिन मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दे आर सेंसिटिव, दे डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री. तो उनके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि लोग ऐसे क्यों गाली देते हैं और मैंने क्या गलत किया. उनको ये लगता है, उनको लगता है मैं बात कर, मैं बोलना चाहती हूँ सच क्या है. और यू नो, सच का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे इतना ही कहना चाहूँगी, कोई जज नहीं कर सकता किसी और का रिश्ता, और किसी और को कोई हक नहीं है कि
वो किसी और की रिश्ते पर उंगली उठाए, क्योंकि जो लोग आज मेरे उंगली उठा रहे हैं वो लोग मेरे रिश्ते को जानते ही नहीं थे शायद। और अगर इतना ही आपको था प्यार, आपको इतना सब, आपको सब लग रहा था, तो आप लोगों ने अब क्यों आकर आप लड़ रहे हो? पहले कहाँ थे आप लोग जब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी हमारी लाइफ में? आज मुझे ब्लेम किया जाता है, बट मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं कहीं गलत ही नहीं हूँ, और मैं किसी को भी गलत नहीं साबित करना चाहूँगी। सबके अपने अपने मोटिव होते हैं लाइफ में। सुशांत ऑलवेज वॉन्टेड टू ग्रो इन हिज लाइफ एंड दैट्स वॉट ही डिड, बट वो चला गया अपने रास्ते। बट उसके लिए मैं कहाँ गलत साबित होती हूँ? मुझे क्यों गालियाँ दी जाती है? मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने कुछ भी आप लोगों को मेरी कहानी तो नहीं पता, और मुझे सुनानी भी नहीं है, और ना मुझे सुशांत को यहाँ कुछ पता, मैं सुशांत के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन यू डोंट नो वॉट इज़ माई स्टोरी, सो स्टॉप ब्लेमिंग मी, बिकॉज इट इज़ रियली हर्टफुल। क्योंकि जो इंसान मैं भी डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी शायद इन चीज़ों का जताया नहीं। मैं भी बहुत बुरी हालत में थी, मुझे भी तकलीफ हुई थी, मुझे भी बहुत रोना आया था, बहुत तकलीफ हुई थी। तब मेरे साथ कोई नहीं था, पर मेरा परिवार था मेरे साथ, और मेरे कुछ फैंस जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे साथ ज़रूर थे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, आई एम वेरी 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 फ्रेंकली टेलिंग यू, प्लीज़ अनफॉलो मी, बट स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर एनीथिंग। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, क्योंकि मैं कहीं हूँ ही नहीं सीन में, मैं थी ही नहीं किसी के लाइफ में इतने सालों से, पर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी तरफ, और मैंने वो पूरी की है अच्छे से। तो आई रियली होप कि आप लोग ये बात समझें, और बिना सोचे समझे किसी को भी गाली देना और किसी को भी कुछ भी बोलना फॉर दैट मैटर इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप लोग उठते हैं, आपको कुछ काम होता नहीं है शायद, आप ट्विटर पे आते हैं या आप इंस्टाग्राम पे आते हैं, और अपने मन से कुछ भी जो आपको बोलना है आप बोलकर यू आर मोस्ट वेलकम टू abuse or to write anything, because आप स्वतंत्र भारत है, सबका हक बनता है, लेकिन बोलने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचिएगा ज़रूर कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि मैं शायद सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़ी हुई थी, तो उसके बाद भी आपकी मर्ज़ी है। मुझे ना कोई मेरे मुझे क्या करना है रिश्तों में, मुझे किस तरीके से किससे बात करनी है कि नहीं करनी है, मुझे आप लोग नहीं बता सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे गालियाँ दें, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। बट यस, मैं इतना ही कहूँगी कि लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द होल वर्ल्ड। आई थिंक लव एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशंस पे वो यू नो वाइब्रेट हाईएस्ट इस पे वाइब्रेट करती है। तो जितना आप अगर सच में किसी के फ़ैन हैं और किसी के लिए आप लड़ रहे हैं, आप लड़िए, प्लीज़ लड़िए, मैं खुद आपके साथ हूँ इस चीज़ में। लेकिन उस इंसान कैसा था वो क्या लोगों को मायने रखता था, वो भी तो देख कर लड़िए ना। उनके ही लोगों को अगर आप गाली देंगे तो कैसे चलेगा? विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यार दीजिए और प्यार पाइए, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मुझे प्लीज़, मैं सच बोल रही हूँ, आपको मुझे गाली देनी है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, बिकॉज यू नो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, माई मॉम डैड यू नो टू बिलोंग, वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, यू नॉट बचपन से नहीं देखा हुआ ये सारी चीज़ें। और अब एक टाइम था एकदम से अचानक इन लोगों ने ऊपर चढ़ा लिया, अंकिता, एंड सडनली आप गालियाँ कैसे, मतलब आपको कैसे, आप दिमाग अपना ऐसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप ही लोग चढ़ाते हैं और आप ही लोग उतारते हैं, आप ये ही तो है पब्लिक, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट। बट जेन्यूनली किसी, अगर मैं आपको गाली दूँ गंदी गंदी, आप बिन मतलब
जब मैं आपके बारे में जानती नहीं और मैं आपके अकाउंट पे गालियाँ दी जा रही हूँ, बहुत गंदा लगता है। और मैं इस बार बहुत अच्छे से बोल रही हूँ कि मत गालियाँ दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। अब आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो आई थिंक मैं हर किसी को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फॉलोअर्स कम हो जाए या कुछ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, जब मेरे माँ बाप को पढ़े तो मुझे उनको सुकून मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलूँ अच्छा लिखिए, मत लिखिए कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मत देखिए। मैं बोलती हूँ आप लोग देखिए ही मत मुझे, मैं इतनी प्रॉब्लमेटिक हूँ और मैं आपको बिल्कुल एक आँख नहीं भाती और आपको पता नहीं बहुत सारी गलत फहमियाँ मुझे लेके, तो प्लीज़ डोंट वॉच मी, बट यू आर नो वन टू टेल मी कि ये क्या नाटक लगा रखा है। आई एम अ डांसर, मेरे पास डांस ही है करने के लिए। कोई पेंटर है तो वो पेंटिंग करता है, कोई राइटर है तो अपनी पोएम्स लिखता है, कोई सिंगर है तो वो गाना गाता है। आई एम अ डांसर, आई एम एन एक्टर, तो मैं वही कर सकती हूँ। और जिनको अच्छा लगता है वो देखें, जो सच में मुझसे एंटरटेन या मोटिवेट होते हैं प्लीज़। किसी के डर से मैं जितने भी लोग हैं, अगर कई लोग होते हैं जो डरते हैं कि डाले कि नहीं डाले इंस्टाग्राम पे कुछ, या लोग क्या कमेंट करेंगे, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ किसी और के दम पे नहीं चल रही, हम अपनी लाइफ खुद चला रहे हैं और हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से बनाएं और चलाएं तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। और मेरी खुशी आप लोगों की कॉमेंट्स पर या नो कॉमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। मेरी खुशी जब मैं वो डांस करती हूँ, जब मैं रील्स बनाती हूँ, मुझे जेन्युइनली खुशी मिलती है। और लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती है कि काम नहीं है क्या ये कर रही है, शायद यही मेरा काम है। अब बोलिए आपको क्या करना है, बोल लीजिए जो बोलना है आपको, जिसको जो बोलना है बोलिए। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, गाली मत दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जेन्युइनली। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और मेरे जितने फैंस हैं जो मुझे सच में देख रहे हैं और जो मुझे सच में प्यार करते हैं, और बस मैं उनके लिए हूँ यहाँ पर और मैं हमेशा रहूँगी। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू एवरीवन जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। और यस दैट्स इट। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो व्हेन, बट आई श्योरली बहुत जल्द हम मिलेंगे और किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम इस पर बात करेंगे कि अब लोगों ने गालियाँ देना बंद कर दिया है। तो बाय, टेक केयर, गाली मत देना, अगर दी तो आपकी मर्जी, मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। टाटा।